हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू चैनल सो नाउ टुडे इन दिस सेशन हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज सस्पेंशन इसको स्टार्ट करेंगे अब सस्पेंशन क्या होता है अ सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर नॉन यूनिफॉर्म मैनर में अगर मिक्स करें कौन से वाले होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है हमारा ठीक है आगे गिवन बी ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर सस्पेंशन द सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू नेकेड आई मतलब यहाँ पे जो दो चीज़ों को मिक्स किया गया आप अपनी नेकेड आई से आपको दिखेगा कि दोनों चीजें अलग अलग है फॉर एग्जाम्पल चॉक इन वाटर चॉक का पूरा पाउडर कर लो एंड देन उसको पानी में घोलने की कोशिश करो आपको चॉक के पार्टिकल्स अलग अलग नजर आएंगे तो उसको हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन है हमारा सोल्यूशन नहीं मतलब वो मिक्सचर है हमारा सस्पेंशन ठीक है क्लियर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन अब इस सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है वी कैन सी पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन हम पार्टिकल्स देख सकते हैं थ्रू अ नेकेड आई वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन ये वाला जो पॉइंट है ना

फिल्ट्रेशन अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप जैसे इसका मिक्सचर जैसे हमने वाटर और चौक का एग्जांपल लिया उसके मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए चार पांच घंटे के लिए रख दे तो क्या होगा सारे चौक के पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे जैसे सैंड हमारी सेटल हो जाती है एंड देन फिल्ट्रेशन वगैरह की हेल्प से हम उसको अलग कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास वॉट इज अ कोलोइड और कोलाइडल सोल्यूशन अब ये कोलॉयडल सोल्यूशन क्या होता है अ कोलाइडल सोल्यूशन और अ कोलोइड इज अफॉर्म सोल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन है द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल दैट द सोल्यूशन अपियर्स एज अ होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज नॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म

पार्टिकल्स नहीं दिख रहे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर आपने मडी वाटर देखा होगा उसमें क्या होता है जैसे मट जो बिल्कुल पानी जैसी होती है उसको मिक्स कर दोगे तो पानी का कलर पूरा ब्राउन हो जाएगा कीचड़ जैसा पानी है सो so, पानी हमें पता चल रहा है 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 कि इसमें पार्टिकल मिला हुआ है। लेकिन वो उसके जो पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे कि आपको विजिबल नहीं होंगे लेकिन फिर भी आप मेकआउट कर सकते हो कि भाई ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइयड अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोलॉयड्स की भी कोलॉइड आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉयड कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई सो यहाँ पे आपको सस्पेंशन और कोलॉयड के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा हो समझ आ रहा होगा कि वो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उसके पार्टिकल्स देन है द पार्टिकल्स कैटर बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलॉयड एंड प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट मैंने बोला हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपको टिंडल इफेक्ट करके दिखाऊंगी सो so, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर्ड हमें नजर आते हैं किसमें कोलॉइड में ठीक है अब इसको ऊपर कर लेते हैं आगे है स्टेबल इन नेचर, पार्टिकल्स डू नॉट एक मडी वाटर को एक घंटा दो घंटा आप छोड़ भी दोगे तो ऐसा नहीं है कि नीचे जाके सारी मठ इकट्ठी हो जाएगी पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा ऐसा नहीं है वो पानी वैसे का वैसा रहेगा ठीक है वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉयड थ्रू फिल्ट्रेशन वी यूज अ मेथड कॉल्ड

मेजोरिटी बच्चों के आई नो हट चुका होगा बट अगर देर आर स्टूडेंट जो ज्यादा है जिनके टॉपिक्स अभी भी आ रहे हैं सो आई मेक सेपरेट वीडियोस फॉर दैट ठीक है सो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ये टिंडर इफेक्ट इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे so we'll